नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप डॉट कॉम। दी लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त भागलपुर में है। भागलपुर का जिक्र आते ही दो चीज़ें सामने आती हैं। पहला है भागलपुर का सिल्क, जो देश और दुनिया में मशहूर है, और दूसरा है भागलपुर का दंगा, जो देश और दुनिया में मशहूर है। 1989 में जो दंगा हुआ था अक्टूबर नवंबर के महीने में, उसने पूरी देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त के मुख्यमंत्री सच्चिदानंद सिन्हा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, और उसके बाद जो हालात पैदा हुए थे उससे अब भी यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग उबर नहीं पाए हैं। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, ये बांका लोकसभा का बबुरा इलाका है, बबुरा गाँव है, और यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जिन्होंने 1989 की वो त्रासदी झेली है। हम उनसे आज जानने की ये कोशिश करते हैं कि 1989 के दौरान में, दंगे के दौरान जो हुआ था वो कितना भयावह मंजर था, और क्यों इन्हें भागलपुर छोड़ करके बांका के इस बस्ती में शरण लेनी पड़ी थी। हमारे साथ हैं 1989 के दंगा पीड़ित मोहम्मद अजरफ अली, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। सर, क्या हुआ था 24 अक्टूबर 1989 को? 24 अक्टूबर 1989 नहीं, 27 अक्टूबर 1989 को जो हमारे क्षेत्र में दंगा हुआ, वो भीषणतम दंगा में सबसे भीषणतम था। और एक मेरे ही गांव में 116 मुसलमान मारे गए थे, और सभी घरों को जलाया गया था, सभी को लूट लिया गया था, सारा धन संपत्ति। कुछ एक लोग बचे थे भाग करके, कुछ छिप करके, उसमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा, आपका जो गांव है वो है लोगाएँ, जो भागलपुर में पड़ता है, और आप इस वक्त जहां बैठे हैं, जहां अपनी रिहाइश बना रखी है, ये है बांका का बबुरा। वहां से यहां तक कैसे ट्रांसफरेशन हुआ आपका? यहां तो उस दंगा पीरियड में ही भाग करके हम आए हैं और यहीं शरण ले लिया, और अब तक मैं यहीं हूं, यहीं रोजी रोटी चला रहा हूं किसी तरह से। मतलब हुआ क्या था? जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो किताबों में ही पढ़ा है, ये दंगा जो है 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जिसकी आज 27 अक्टूबर को आपके गांव लोगाएँ तक पहुंची है। 27 अक्टूबर को मतलब कैसे दिन शुरू हुआ था, आप क्या कितना याद आता है आपको, 27 अक्टूबर को शुरू कैसे हुआ था पूरा दिन आप लोगों का? सुबह सुबह जो है चारों तरफ से गांव को घेरना हिंदू बलवाइयों के द्वारा हुआ था। 5 से 6 हज़ार से 10 हज़ार के बीच हिंदू बलवाई चारों तरफ से घेर करके लोगों को मारना, काटना, लूटना शुरू किया, और ये शाम तक ये चलता रहा, और रात में मैं भाग करके यहाँ आया था। रात में आप भाग करके यहाँ आए थे। जो हिंदू बलवाई थे, चूँकि जो लोगाएँ गांव है वो तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिश्रित इलाका रहा है, जिन आप दंगाइयों की बात कर रहे हैं वो कौन लोग थे? क्या आपके गांव के लोग थे या बाहर के लोग थे? कुछ बाहर के भी लोग थे, अधिकतर गाँव के लोग थे, लेकिन दंगाइयों में तो चारों इलाके के हिंदू थे। किसी एक गाँव का नाम लेना मुनासिब नहीं है, आस पड़ोस के जितने भी लोग गाँव थे, हर गाँव के 150 हिंदू बलवाई थे। उसमें से इर्द गिर्द के ज़्यादा ही लोग थे, दूर दराज के तो लोगों को पहचानना बड़ी मुश्किल था। उस पर FIR भी मैंने किया था, पनिशमेंट भी लोगों को भी है। बहुत से दोषी व्यक्ति इसलिए बच गए कि उसके लिए एविडेंस हम नहीं जमा कर पाए, और अब तो उसे याद करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। उसकी इस अध्याय को फिर पुनः याद करें हम, अन्ना और किसी को करना चाहिए, क्या ये बीते जमाने की बात है। और आज तो यह हाल है कि सरकार घोषणा किया था कि 2,500 पेंशन देंगे, बढ़कर के 5,000 किया। जिस वक्त 2,500 पेंशन की बात हुई थी, उस वक्त शिक्षा मित्र 1,500 रुपये में बहाल हुए थे, और उनकी आज उसकी तनख्वाह कहिए 30,000 से पार कर रही है, और हमारी जो पेंशन है वो आज उसके बनिस्पत में ऊँट के मुंह में जीरा के फौरन है ना। ये तो सरकार की नीति है, और ये सरकार की नीति के ही बदौलत ही आज समाज में लोग बट रहे हैं। आज समाज के लोग एक दूसरे से नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आज जिस वक्त वो दंगा हुआ था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, वही जो है कि SP द्विवेदी जी, KS द्विवेदी, जिनको बाद में DGP बनाया गया था, जिसे नीतीश कुमार ने उसे DGP बना दिया, यानी उसे इनाम दिया कहिए, यह
कि कांग्रेस भी वही किया लोगों के साथ और नीतीश भी वही किया कि जिसने दंगा का जो हीरो था उसे जो है बना दिया डीजीपी। अब किस स्वार्थ के लिए वो तो वो बताएंगे, वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे प्रशासन में जो जिस पर दाग लगा हो वैसे नेता को ऐसे कुर्सी पर नहीं विराजमान करना चाहिए। अब बड़े बड़े नेता लोग हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं। जो 27 अक्टूबर वाला दंगा था 1989 वाला, उसमें जब वो भीड़ ने आप लोगों को घेर रखा होगा या जब वो लोग चिल्ला रहे होंगे, उसकी वजह क्या बता रहे थे? क्योंकि देखिए पहली बार तो हुआ नहीं होगा कि आप हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, आप लोग बहुत लंबे अरसे से उस गांव में रहते होंगे, तो 27 अक्टूबर को क्या लोगों ने आरोप लगाया, क्या कहा, क्यों मारने की ऐसी नौबत आ गई, उनको दंगा करना पड़ा, क्या र्यूमर था या क्या चीज़ें हुई थी उस समय? दो दिन पहले से ही ये बात चल रही थी समाज में कि फलां जगह किसी जो है कि मुसलमानों ने हिंदू को मारा, किसी जगह हिंदू ने मुसलमानों को मारा, इस तरह का रीमर बनाया जा रहा था, है ना। और उस रीमर को हम लोग बचाव नहीं कर सके, उस रीमर को हम लोग कंडम नहीं कर सके, और उसी रीमर का देन है ये दंगा फसाद। और कुछ लोग सुनियोजित तरीके से पूर्व में बैठक करके और इससे लीडिंग कर करके भी इसको अंजाम दिया है। और ये इतनी बड़ी हृदय विदारक घटनाएं जो घटी, ऐसी सिर्फ एक रीमर पर नहीं बनी, ये एक साजिश और एक कहिए प्री प्लान के तहत इस तरह की घटनाएं घटी है हमारे क्षेत्र में। हल्का फुल्का दंगा होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लोग इस तरह से इतर बितर नहीं होते, एक दूसरे गाँव में शरण नहीं लेना पड़ता। और अगर दंगे सीधी होती कि भाई चलो 100 आदमी लड़ रहे हैं, 100 आदमी हम लड़ रहे हैं, तो उसमें 10-5 लोग मारे जाते, इतने लोग नहीं मारे जाते और इतने लोग घेर करके नहीं इस तरह का घटना करता। इसमें प्री प्लानिंग थी, दो दिन पहले मीटिंग भी हुई थी क्षेत्र में, लोगों ने इस पर यह नहीं सोचा कि समाज के लोग इस तरह से ऐसे मीटिंग करते हैं समाज में शांति के लिए, लेकिन वो शांति नहीं, वो शांति के लिए भी मीटिंग हुई थी, शांति नहीं अशांति की मीटिंग थी। याद नहीं आता आपको अपना लोग आए गाँव जो बहुत ही मुश्किल से 10 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा, कभी मन नहीं करता आपका जाने का अपने उस पुश्तैनी ज़मीन पे जहाँ पे आपके पुरखे रहे थे और फिर एक दंगे ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, फिर आपको आकर के यहाँ बबूरा में रहना पड़ रहा है? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, जहाँ की जन्म हुआ उससे हमको प्रेम नहीं है, वहाँ के लोगों से हमको प्रेम नहीं है, आज भी है। ये है कि हम लोग परहेज बस वहाँ नहीं जाते हैं, परहेज करते हैं कि वहाँ अगर किस तरह की कोई अनहोनी घटना हो तो समाज का लोग बदनाम करेगा कि इन लोगों ने इस तरह का घटना करवाया हो, इसलिए हम जहाँ वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, प्रेम भाव है, निमंत्रण आमंत्रण होता है, ऐसा है कि नहीं होता है सो नहीं। आज मतलब जब जो आपके हिंदू परिवार के जो मित्र दोस्त रहे होंगे, जो अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे, उनसे मुलाकात आपकी होती है? हाँ रोज, यानी कि हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में ऐसे रोड में चलते फिरते लोग मिलते हैं, अच्छे भाव से मिलते हैं। सब लोग उस तरह का नहीं है, अच्छे भी लोग समाज में हैं और आज भी मिलने के लिए आते जाते हैं, किसी के अगर शादी विवाह हो तो निमंत्रण देने के लिए भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज विद्वेष है, सो बात नहीं, आज भी प्रेम है उन लोगों से। आपने कभी पूछा नहीं अपने दोस्तों मित्रों से, अपने हम उम्रों से कि यार उस दिन तुम लोगों को हुआ क्या था कि तुम लोगों ने ऐसा किया और फिर हमको यहाँ भाग के आना पड़ा? कभी आपके जो दोस्त मित्र अब मिलते हों कभी शांति से बैठ करके, ताकि कम से कम वो अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपनी आने वाली नस्लों को इस बात को बता सकें कि दंगा कितनी बुरी चीज़ है कि हमसे हमारा दोस्त बिछड़ गया, हमसे हमारे पड़ोसी बिछड़ गए और इस गांव पे एक काला धब्बा लग गया जिसको देश और दुनिया बहुत ही गलत ही तरीके से देखती है, उसको सही तो किसी तरीके से ठहराया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक नरसंहार था। देखिए जहाँ तक दोस्त लोगों से पूछने की बात है, सब लोग इस पर मौन धर लेते हैं, हर आदमी मुंह बंद कर लेते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं पूछते हैं। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, पड़ोस के गांव से एक आदमी को मैंने पूछा कि भाई इस दंगा पीरियड में ये बताइए कि आपके गांव में निर्दोष कौन कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि भाई मेरे कुनबे का 4 घर छोड़कर
सभी के सभी उसमें इन्वॉल्व थे। मैंने उसी गांव के दूसरे कुनवे के लोगों से पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि मेरा कुनवा तीन घर है, तीनों घर को छोड़ करके बाकी गांव के लोग सभी उसमें शामिल हैं। इस तरह से मैंने छः आदमी पूछा, छः कुनवे को पूछा, और ये लगा कि हर एक दूसरे को अपने को निर्दोष बता रहे थे और पूरे गाँव को दोषी बता रहे थे। अब हम इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कौन दोषी समाज में थे और कौन निर्दोष थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सबके सब उसमें दोषी नहीं हैं। आज भी जो है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, अभी भी कुछ लोग अच्छे हैं और अपने रोजी रोटी की तलाश में दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उसको हम सबको बुरा के ख्याल से नहीं कहते हैं और आज भी वो लोग भाईचारगी निभाते हैं। ये नहीं कि नहीं निभाते हैं, हम भी उनके साथ निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हो चुका और फिर भविष्य में यही चीज़ पुनः हो, इस तरह से हम अपने जीते जीत तो नहीं होने देना चाहेंगे किसी भी समाज में रहेंगे। ये चीज़ ये बताइए कि अभी आपने कहा कि सबूत ना होने की वजह से कुछ लोग छूट गए, सबूत जुटाना काम आपका था कि पुलिस का था, क्योंकि भूमिका क्या थी पुलिस की उस वक्त? पुलिस की भूमिका बहुत ही बुरा थी। मुझे याद है कि एक DIG को छोड़कर जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे, किसी ने भी दुनिया के सामने सच्चाई का मंजर लाना नहीं चाह रहे थे। मैं पहली बार DIG के साथ उस घटना स्थल पर गया था। DIG साहब अपने किसी अभिन्न मित्र को गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे थे और हम भी जा रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे जिस वक्त की प्रशासन की गाड़ी घटनास्थल पर नहीं पहुँचे, रोड को काट दिया गया था, जगह जगह डिस्टर्ब कर दिया गया था, तो उस वक्त यही लग रहा था कि क्या ये कटा हुआ चीज़ ये और किसी प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ता। और जब मैंने इन्फॉर्मेशन किया कि इस तरह की वहाँ घटनाएँ घटी है, कुआं में लाशें हैं, तो उल्टे पुलिस जो है उसको भरवा करके प्लेन कर दिया। हमने एक चीज़ और भी सुनी थी पढ़ी है रिपोर्ट्स में कि गांव में इतने बुरे हालात थे, इतना भयावह दृश्य था कि वहां पे लाशों को खेतों में गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर गोभी बो दी गई थी। कितना सच्चाई है इसमें? 16 आना सच्चाई है उसमें। मैं खुद उस घटना स्थल पर उस गोभी और लहसुन को कुदाली से उसकी मिट्टी हटा करके उसके लाशों को निकाला था, है ना। तो इसमें दो राय नहीं है कि आपने जो सुना है वो गलत है। और 27 अक्टूबर को जब दंगा हुआ, सुबह से ही दंगाई पहुंच गए थे, आपके गांव को घेर लिया गया था, एक आप लोगों को घेर लिया गया था, पुलिस पहुंची कब वहां पे गांव में? वह पुलिस खुद दंगाइयों को लीड कर रही थी। अब वो खुद दंगाई थे तो मैं क्या बताऊं कि पुलिस कब पहुंची, क्योंकि पुलिस ही रक्षक ही भक्षक थी, तो मैं क्या कहूं कि पुलिस कब पहुंची, जब पुलिस लीडिंग ही कर रही थी सुबह से 7:30 के आसपास सुबह। तो वो चूँकि वो लीड ही कर रही थी, वो ही दंगाई थे, उन दंगाइयों में वो भी शामिल थे, तो हम किसको कहेंगे मैंने कि और कौन पुलिस की बात आप कर रहे हैं, मैं तो समझ से परे है। आप ये कह रहे हैं कि जो पूरा दंगा हुआ था, जिस भीड़ उन्मादी भीड़ ने आप लोगों को घेर रखा था, उसको लीड करने वाली यहाँ की लोकल पुलिस थी, थाने की पुलिस थी, क्या ये आपको लगता है कि वह ऊपर से आदेश थे, जैसे जो कि उस समय के SSP थे KS द्विवेदी, उन पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे थे बाद में? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है उस SP के रीजन में किसी भी इस पूरे दंगा पीड़ित क्षेत्र में 6 दिन तक पुलिस डायरी मेंटेन नहीं हुई थी, और उस पीरियड में मैं भी FIR दर्ज करने के लिए यहाँ के स्थानीय शांति समिति के मेंबर के द्वारा भेजा था और वो मेरा भी FIR दर्ज नहीं हुआ था। तो अब ये कहना
कि पुलिस अपना क्या रोल कर रही थी, है ना, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक चीज़ और है सर, इस समय आप देखते होंगे कि अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि अफवाहों के फैलने के कई माध्यम हमारे पास हो गए हैं। टीवी है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अफवाहें इतनी तेज़ फैलती हैं कि 2 घंटे के अंदर ही पूरे क्षेत्र को पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। क्या था उस वक्त, तो नेटवर्क ऐसा था नहीं, टेलीफोन गांव में कहीं कहीं रहे होंगे तो रहे होंगे, लगता नहीं है कि उस समय होंगे भी। जो अफवाहें फैलें ये माउथ पब्लिसिटी थी सिर्फ, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा कि कुएं में लाश पड़ी है, वहाँ पे वो सब हिंदुओं की लाशें हैं, उसे ढक दिया गया है। ये इतना तेज़ 24 अक्टूबर से भागलपुर में शुरू हुआ दंगा, 27 अक्टूबर को गांव तक पहुंच जाता है, ये कैसे पब्लिसिटी हुई होगी या कैसे ऐसी माउथ पब्लिसिटी रही कि वो लोग वहाँ तक पहुँच गए, गाँव तक? देखिए, देश में बेरोजगारी बहुत है और बेरोजगारी के समय में जिस पीरियड में दंगा हुआ था इस हमारे क्षेत्र में, उस वक्त यहाँ के लोगों को कोई काम नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था, लोग निकम में बैठे रहते थे और जहाँ से कुछ बात सुनाई पड़ा उसी को नोनते लगा करके आगे रिपीट कर दिया। और इस तरह से वो जो है वो जिस तरह से आज का नेटवर्क है, इससे ज़्यादा विकसित नेटवर्क उस वक्त माउथ जो है कि आपका नेटवर्क काम कर रहा था। यहाँ जरा से भी कुछ होती थी फौरन खबर, वहाँ फला जगह ये घटना है, फला जगह वो क्लासें हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर क्लासें थी। यहाँ के लोग उस लाश को लगभग 20 दिनों तक रिकवरी नहीं कर सके और न पुलिस कर सकी और न यहाँ के लोग ला सके, इसलिए कि उस वक्त बैंड था। लेकिन रीमर पर कोई बैंड नहीं था, जो जिसे आया कि नहीं कि हम सच्चाई जान लें, उसे मतलब नहीं है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, लोगों ने जो कहा ठीक उसका उल्टा रीमर बन गया और यही दंगा का बड़ा मेन कारण भी था इसको बढ़ाने में। रीमर अफवाह जो है वो दंगे की सबसे बड़ी वजह थी। अच्छा, 27 आपने गांव कब छोड़ा? 27 अक्टूबर को जब दंगा हुआ और उसमें करीब करीब 116 की गिनती कब पता चली और गांव आपने कब छोड़ा? 27 अक्टूबर 1989 को रात्रि में मैंने गांव छोड़ा। कौन था आपके परिवार में उस वक्त? वो तो मेरे फादर उस वक्त वहीं फंसे हुए थे उधर ही, वो यहाँ नहीं आ सके थे, यहाँ तो मुश्किल से 15-20 आदमी ही आ पाए थे। और ये 2 दिसंबर को मैंने एक बयान दिया, फिर 3 को DIG को बयान दिया, 4 दिसंबर को मेरा FIR लॉज हुआ और 8 या 9 दिसंबर को 93 डेड बॉडीज़ बरामद हुआ। हम लोगों ने ही उसको जगह जगह से 2 गड्ढे से 45-5 नदी के इर्द गिर्द से और एक तालाब के खुदाई से एक जगह जो है कि गड्ढे में 36 लाशें, इस तरह से 93 डेड बॉडीज बरामद किया था उस रोज, शायद 8 या 9 दिसंबर के आसपास। उसमें से लोग दिन भर वहाँ रहे, पुलिस क्या कहते हैं कैंप वहाँ थी, यहाँ से कुछ लोग गए थे और DIG साहब वहाँ कैंप करके और वहाँ के लोगों से सोर्स लगा करके कहाँ कहाँ छिपाया गया था पता लगा करके हम लोग जहाँ तहाँ दिन भर खोदने के बाद पता चला, शायद 9 दिसंबर के आसपास की बात है। 9 दिसंबर के आसपास पूरी लाशों की काउंटिंग हुई और पता चला कि ये कुल 93-94 लाशें हैं। हाँ, लाशें तो हम लोगों को 115 का हम लोग FIR 14-15 का हम लिख कर आया था उसी वक्त, लेकिन ये फौरी डेड बॉडी जो है 9 दिसंबर 89 को 93 और उसके बाद फिर 15, इस तरह से करके 108 लाश बरामद हुई, लेकिन इंक्वायरी में 116 डेड बॉडीज़ के मारे जाने का पुष्टि है। इंक्वायरी में 116 के मारे जाने की पुष्टि है। एक चीज़ बताइए कि कैसे मारा गया था, क्या आपको लगता है कि भीड़ थी, भीड़ के पास
तो वैसे हथियार नहीं रहे होंगे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स तो पुलिस के पास ही रहे होंगे। क्या लगता है आपको कि जो मारा गया था वो कैसे मारा गया था? ज़्यादातर लाठी डंडे से पीट के मारा गया था, अधिकतर लोगों को ऐसी तरह से मारा गया था। हालांकि ऐसे जिस वक्त लाठी मार पीट तो हुई लाठी डंडे से ही, लेकिन डेड बॉडीज चूँकि 42 दिन पर रिकवरी हुई थी तो उसके ये चमड़े बहुत जगह उजड़ गए थे। हम लोग कपड़े से और क्या कहते हैं जो पॉलिस्टर टाइप का कपड़ा था, इस तरह का जो कपड़ा था जो कि मैंने उसका डिसकलर नहीं हुआ था, इसी से पहचान कर पाए थे। और वो इतने विवत्स हो गए थे कि उसे ये करना, आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी लगभग 35-36 या 40 के लगभग डेड बॉडीज़ का रिकवरी में आइडेंटिफाई हुआ था। बाकी आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा था, इतना सड़गल हो गया था, बाकी बॉडीज आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही थी। 1989 के दंगा पीड़ित 2019 में किस हालत में हैं? वो जिस पीरियड में थे उससे तो बदतर है, अभी तक तो उससे उबरे नहीं हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि अधिकतर एक दो चार को छोड़ करके ज़्यादातर पीड़ित के बच्चे, पीड़ित के परिवार, चाहे तो वो कुपोषित है या फिर उनके बच्चे वो शिक्षित हैं, आज तक इन 32-33 सालों में 30 सालों में आज तक किसी के बच्चे किसी पढ़ लिख करके कोई जो है जॉब में नहीं जा सका। और ज़्यादातर हमारे लोग हैं यहाँ इमारत सरिया कितना में, मुझे तो याद है कितने वर्षों में वहाँ के किसी बच्चे जो जन्म लिए आज तक वो मैट्रिक पास भी नहीं कर पाए। तो क्या हालात, अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक इतने वर्षों में इन पीड़ितों के बच्चे आपके एजुकेशन में मैट्रिक पास नहीं किया हो तो कहाँ कितना विकास किया, अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। 18 अप्रैल को भागलपुर में वोटिंग है, बांका में भी वोटिंग है, क्या लगता है कि इस बार चुनाव का मुद्दा आपकी नज़र से, आपने दंगे को बहुत नज़दीक से देखा है, आप उस दंगे के पीड़ित रहे हैं, 2019 में 30 साल बाद जब उस दंगे के आप दंश को महसूस करते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा शांति हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो और विकास हो, और इससे बड़ा आदमी को क्या चाहिए, सुख सुविधा, बिजली पानी मिल जाए, सुरक्षा कड़ा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आज के दौर में इस तरह का कोई मुद्दा है ही नहीं राजनीतिक दलों के पास एक दूसरे पर दोषारोपण के अलावे। और इस पीरियड में हर आदमी सिर्फ ये जानता है कि ये हमारी जाति का लोग है कि नहीं, हमारे सपोर्ट में है कि नहीं, हम किसको किधर जाएंगे, ये इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहा है। बस सिर्फ इतना सा दे रहा है कि हाँ समीकरण हमारे बिहार में जाति समीकरण है, सभ्य जाति समीकरण करते हैं, ये नहीं कि बीजेपी समीकरण नहीं कर रही है या और पार्टियाँ जो है क्षेत्रीय पार्टी है वो भी समीकरण जाति समीकरण नहीं कर रही है। सब राजनीतिक दल लगे हुए हैं जाति समीकरण पर ही, और ये विकास और क्या कहते हैं सुरक्षा और देश की जो है कि प्रगति, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम, ये पाकिस्तान चले जाओ, ये गोरक्षा, मॉब लिंचिंग, तमाम ऐसे टर्म कॉइन हो गए हैं। पाकिस्तान चले जाओ सबसे ज़्यादा मशहूर टर्म इस समय हो गया है, कुछ भी बोलो तो पाकिस्तान चले जाओ। क्या लगता है आपको 1989 का एक दंगा पीड़ित आदमी जिसको उसके ही गांव से उसके गांव के लोगों ने ही दहशत में भगा दिया, उसे भाग करके मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा 116 लाशें देखने के बाद, वो क्या सोचता है पाकिस्तान पर कि जो लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, क्या लगता है आपको? ये छोटी सोच है, ये राजनीतिक दल एक छोटी छोटी सोचों को लेके चल रहे हैं। और यहाँ तक जो है ये जो मुद्दा बना रहे हैं ये इसलिए कि वो किसी तरह से मुस्लिम विरोधी लोग हो जाए और एकजुट हो जाए, वो हमें वोट दे, हम जीत करके हम सरकार बनाएं। लेकिन दूसरे भी दल के लोग हैं वो भी सोचते हैं कि तुम भाई मौज मस्ती करोगे, आराम करोगे,
एक देश दूसरे देश से घूमते फिरोगे, शान शौकत से चलोगे, 10 लाख का सूट पहनोगे, क्या हम नहीं पहन सकते हैं? हमें भी तो पहनने का शौक है, हम क्यों पीछे आपसे रहें? इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये एक दूसरे को जो है कटाक्ष करके जो है एक दूसरे को नफरत फैलाने की राजनीति लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो कह रहे हैं वो भी को अच्छी तरह से समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये दूसरे को नफरत फैला रहे हैं। जो समाज में भाईचारगी है, जो एक साथ बैठ के खाते पीते हैं, जो एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, जो आदमी बीमार पड़ता हो तो पड़ोसी उसको कंधा दे करके हॉस्पिटल पहुंचाता हो, जो आदमी के घर में आग लग जाए तो पड़ोसी उसको आग बुझाते हैं, उस वक्त ये नहीं देखता है कि ये जात क्या है, उस वक्त ये नहीं देखता है कि घर किसका जल रहा है। लोग सब समाज में लोग इसलिए मिलजुल करके रहते हैं, और आज ये छोटी छोटी राजनीतिक मुद्दे बना करके जो ये चला रहे हैं अभियान, ये तो सरासर नेता लोगों की गलती है। और ये बीज जो बो रहे हैं भविष्य के लिए नुकसानदेह होगा, और ये बीज अभी आज का बीज कल का जो है वो पहाड़ बन जाएगा, और वो वही नेता लोग इसको संभाल नहीं पाएगा। आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में वारसाई की संधि जो हुई थी उस संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छुपा हुआ था। जर्मनी को जर्मनी पर थोप दिया गया था वर्सायी के संधि, जिसके बाद हिटलर आया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया था। हाँ, इसीलिए ये जो मुद्दा आज उठ रहा है वो वर्सायी की संधि के तरह ये जो है राजनीतिक मुद्दा है। भविष्य में ये देश में विद्रोह भी हो सकता है, कल गृह युद्ध भी हो सकता है, ऐसे छोटे छोटे राजनीति और गंदी जो है मन मुद्दा बनाई जाती है। दो इलेक्शन जितना है आप काम करके दिखाओ, एक अच्छा जो है कि मैंने शहरी देख बन बन के दिखाओ, अच्छा नेता बन के दिखाओ, इससे तो कुछ नहीं। अच्छा स्कूल चलाओ, अच्छे लोगों को शिक्षा दो। 18 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पे आप जो वोट देने जाएंगे, आपके जहन में कौन सा मुद्दा होगा? देखिए, अभी जो हम समझ पा रहे हैं, जो समाज में लोगों को देखने सुनने के लिए मिल रहा है, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी जाति के हैं उम्मीदवार, कुछ लोग जानते हैं कि अच्छे उम्मीदवार हैं, कुछ लोग जाते हैं कि ये मियाँ के विरोधी जो है उम्मीदवार है, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं ये जो है कि मैंने बीजेपी विरोधी है, ये अभी लोग सोच के चल रहे हैं। लेकिन मैं उन सब से अलग हट करके जो विवेकशील संघर्षशील और न्यायप्रिय है मैं उसे चुनता हूँ। आखिरी सवाल आपसे, मोदी सरकार के 5 साल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़े देश के लेवल का सवाल है, और इसीलिए मैं गांव में बैठे एक ऐसे आदमी से पूछ रहा हूँ जिसे देश दुनिया की खबर है, एक गांव के छोटे से कस्बे में रहता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, एक बड़े से दंगे का पीड़ित रहा है जिसको अपना गांव छोड़ करके यहाँ आना पड़ा है, और वो आदमी गांव में बैठ करके प्रधानमंत्री पद पे जो शख्स बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उनको किस तरह से आंकता है, बस यही मैं जानना चाहता था आपसे। देखिए, मोदी जी एक विद्वान और पहुँचे हुए नेता हैं, और पब्लिक का सम्मान है, और देश में जो विकास की हवा बताई जा रही है उतना तो विकास नहीं हो सका है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के विकास को जब देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो विकास नहीं है यहाँ। और दूसरी चीज़ है कि देश के प्रधानमंत्री में जो गुण होनी चाहिए, जो महानता होनी चाहिए, जो सादगी होनी चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री ज़रूरत पड़े तो देश 20 मरतबा विदेश जा सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक विदेश का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के लिए जाने वाले प्रधानमंत्री, एक विधानसभा के इलेक्शन में भी एक छोटे से क्या कहते हैं उम्मीदवार के पक्ष में बोलने के लिए जाने वाले प्रधानमंत्री के जो इमेज होती है वो इमेज नहीं होनी चाहिए।
जिस क्षेत्र में मोदी जी गए, उदाहरण के लिए समोखिया मोड़, वो अमरपुर विधानसभा में, उस क्षेत्र का जो है उसके क्या कहते हैं दल के उम्मीदवार नहीं जीत पाए, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है। हालांकि मैं सम्मान करता हूँ, वो शिक्षित हैं और विवेकशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं उनके हर कामों से सहमत नहीं हूँ, और ख़ास करके उनके अंदर जो बड़प्पन होनी चाहिए इससे ऊंचा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, नोटबंदी को कैसे देखते हैं? मोदी जी ने जो सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिनको दो फैसले बड़े गिने जाते हैं, नोटबंदी GST जिसने अर्थव्यवस्था पर असर डाला, और दो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुई, उड़ी और बालाकोट, कैसे देखते हैं आप नरेंद्र मोदी के इन दोनों फैसलों को? सबसे पहले तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर कहूँ, मोदी जी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लोगों ने वाहवाही दिया, मीडिया टीवी और ये जो नेटवर्क है आज के इस कनेक्शन का बहुत हवा बनाया, लेकिन इससे पहले भी बड़ा स्ट्राइक 1971 में हुआ था, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी इतनी साहसी थी कि देश जब के दोनों तरफ, एक तरफ पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, और वह पूर्वी पाकिस्तान को हिला करके बांग्लादेश बना दिया, इससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक तो अभी मोदी जी ने किया है। तो उस ज़माने में जब 1.5 लाख क्या कहते हैं ये फौजी को 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करना पड़ा था, उस समय समर्पण करवा लिया था लगभग, हाँ, कहीं कहीं 1,35,000, कहीं कहीं 1,42,000, इस तरह का आंकड़े आते हैं, वो तो हम लोगों के पास नहीं है पूरा, लेकिन लगभग हम लोग मानते हैं उसको कि 1.5 लाख जो है कि मैंने फौज को सरेंडर करवा लिया। तो उस हिसाब से तो मोदी जी ने नहीं किया, बल्कि हमारे एक अभिनंदन को उस पार भेज दिया, और वो 50 घंटा जो है कि पाकिस्तान जो है कि हमारे नौजवान को सरेंडर करवा लिया है। अब वो एक साहसी, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक था, इंदिरा गांधी ने जो करवाया था उतना को सरेंडर करवा लिया। मोदी जी तो बस एक टोका और गवाइए दिया मेरा, और कहते हैं आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, अब अंदाज़ा लगाइए आप क्या किया। उस वक्त तो उतना बड़ा विकसित नहीं था देश, आज तो बहुत विकसित हो गया है, बहुत बड़ा स्ट्राइक कर लिया कुछ नहीं। ये देश में जो है ना जिस तरह के हवा बनाए जा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। आप काम कीजिए, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। आज नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी में किसे फ़ायदा हुआ? खूब करोड़पति लोग हमारे यहाँ तो देखे, हम अभी बैंक के नज़र में सामने में नोटबंदी में कोई भी अमीर आदमी नोट ले करके जमा करने के लिए नहीं नज़र पड़ा, सब उसके रात के अंधेरे में बदले गए, और गरीब आदमी जिसको 10-20 हज़ार टका था तो 4,000 टका लेके दिन दिन भर खड़ा रहता था। अब उससे बेनिफिट हाँ ये ज़रूर हुआ कि जितने काले धन लोग अमीर लोग रखे थे वो निकल निकल करके हर आदमी के खाते में 15-15 लाख चला गया। आ गया 15-15 लाख रुपए? हाँ, आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए हैं? अरे भाई आ नहीं गया तो मतलब क्या कहिएगा, तो यही तो बात हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, नोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो 15 लाख खाते में नहीं आए, कैसे नहीं आए, जो देख तो रहे हैं सबके खाते में आ गए, लोग खुशहाल हो गए। आज जो है ये कौन मीडिया हो गया इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया हो गया, और क्या बहुत तरक्की कर गया, यही है नंबर हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो ये थे कुल मिलाकर भागलपुर दंगे की कहानी, उसके ही एक पीड़ित की जुबानी। आप देख रहे थे दिल्लन टॉप की चुनावी यात्रा, मैं हूँ अविनाश और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अमितेश। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए दिल्लन टॉप.com। शुक्रिया।